एनसीबी ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के मुंबई घर पर की छापेमारी। एजेंसी अंधेरी लोखिनवाला और वर्सोवा जैसे क्षेत्र के साथ तीन अलग अलग जगहों पर भी छापेमारी कर चुकी है। जांच एजेंसी ने जानकारी दी है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल के बाद से ही एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। ड्रग केस को लेकर एनसीबी का शिकंजा बॉलीवुड स्टार्स पर कसता जा रहा है। इससे पहले ड्रग केस में शुक्रवार को अर्जुन रामपाल एनसीबी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनसे ड्रग्स केस में घंटों तक पूछताछ की गई। अर्जुन से पहले उनकी लीव इन पार्टनर ग्रेबियेलिया से दो घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद अदालत ने अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बॉटिल की पेश की, जहां पर बॉटिल को 25 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में ड्रग्स एंगल तलाशने के लिए शुरू हुई एनसीबी की जांच अब दूसरी तरफ बढ़ चुकी है। एनसीबी के सामने केवल सुशांत केस नहीं बल्कि मुंबई के बॉलीवुड में फैले ड्रग्स और गोरख धंधे से जड़े खोज निकाली है। अब ये जड़े कहां कहां तक फैली है, इसके पीछे कौन सबसे बड़ा शख्स है और मास्टरमाइंड, इसकी जांच चल रही है। एनसीबी के दिल्ली मुख्यालय के सूत्रों का कहना है कि केस में बड़े सिंडिकेट बच रहे हैं। केस की जांच शुरू इस तरह से आगे बढ़ी है कि मुंबई और गोवा जैसे ठिकाने भी सामने आए, जहां एजेंसी को ड्रग्स मिलने की उम्मीद थी। बात साफ हो चुकी है कि लोगों के होटल और फार्म हाउस जहां ड्रग्स मिलना आम बात है। ड्रग्स की सप्लाई करने वाले गप्पी के आसपास ही जांच घूम रही है। सिनेमा जगत के 4-5 बड़ी हस्तियों से पूछताछ की गई, जहां पर दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ड्रग्स से जुड़े एक और मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। तो यह है पूरी खबर, जहां पर भारती सिंह के घर पर पड़ चुकी है छापेमारी और भारती सिंह पर है एनसीबी का सबसे बड़ा शिकंजा। नेक्स्ट 9 लाइव से रश्मि की रिपोर्ट।